Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today we'll start our next topic. Our next topic is war with Marathas. हम लोगों को पढ़ना है कि मराठाओं से लड़ाई. आखिर किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रूल की. ब्रिटिश कंपनियां जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो धीरे धीरे भारत के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टेरिटरीज थी उसको जीतते हुए आगे निकलती है. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार उसने मैसूर पर उसने अपना मतलब वर्चस्व स्थापित किया. हाँ, और वहां का जो मतलब किंग था, वहां का जो राजा था, हाँ, आपका टीपू सुल्तान, उसको डिफेट किया गया 1799 के अंदर में लॉर्ड वेलजली के टाइम पे. ओके, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली ही थे. और लास्ट में वहां पे वहां जो पुराने वहां के वंश वडेयार वंश के थे उनको लोग शासन दे दिए. तो उसी प्रकार हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण मतलब उस समय एक पावर के रूप में इंडिया के अंदर स्थापित थे जिसे मराठा के रूप में जानते हैं. मराठा स्वाभाविक सी बात है जो मराठी भाषा बोलते हैं. मराठी भाषा कहाँ बोलते हैं? तो महाराष्ट्र में बोलते हैं. ठीक है, वो शिवाजी के द्वारा जो मराठा साम्राज्य जो है उसको स्थापित किया गया था उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो उस समय क्या कंडीशंस थे, कौन लोग शासन कर रहे थे और उनका क्या हालात था और किस प्रकार मराठाओं के साथ अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और विवाद होता है और लास्टली वो क्या आखिर रिजल्ट्स निकलते हैं. तो हम लोग उसके बारे में जानना है. ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि वार विद द मराठास फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो साउट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में जो कंपनी है वो चाहती थी कि मराठा के ऊपर कब्जा किया जाए और इनके पावर को समाप्त किया जाए. ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण ताकत थे मराठास. विद देयर डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम्स ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड. अब देखिए 1761 के अंदर में एक आपका पानीपत की लड़ाई हुई थी. पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली जो आपका एक अफगान शासक था वो भारत के ऊपर अटैक करता है और मराठा उससे जा टकराते हैं और टकराने के बाद उस युद्ध में मराठाओं की हार होती है. मराठाओं का स्वप्न था कि अहमद शाह अब्दाली जो दिल्ली पर अटैक करने आया था उसको डिफेट करके और फिर हम लोग दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा जमा करके वहां से हम पूरे देश का शासन करेंगे, ऐसा मराठाओं का सोच था, उनका ऐसा ड्रीम था. मगर 1761 में जब मराठा वहां बुरी तरह से हार जाते हैं तो उनका यह सपना जो है वो चूर चूर हो जाता है. और इसके बाद क्या स्थिति होती है? देवर डिवाइडेड इंटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स सरदार्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले. अब देखिए उसके बाद क्या होता है 1761 के बाद जब वो हारते हैं, उसके बाद जो उनका वो राजवंश होता है, जो डायनेस्टीज होता है, जो उनका साम्राज्य होता है, वो विभिन्न विभिन्न राजवंश में, अलग अलग राजवंश में जो है डिवाइड हो जाता है. मतलब एक मराठा जो है वो अलग अलग में डिवाइड हो जाता है, वो एक ही लोग थे वही डिवाइड हो जाते हैं. देखिए आपके जो है होलकर, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, हाँ ये सब राजवंश का नाम है. ठीक है, ये सब राजवंश का नाम है. अभी भी आप सिंधिया वर्ड सुनते होंगे, ये तमाम लोग उसी से रिलेटेड है. ठीक है, दे चीफ्स वी आर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर. मगर ये तमाम लोग अलग अलग तो मतलब अपना रीजन के हिसाब से रूल करने लगे थे, मगर ये तमाम लोग अभी भी पेशवा के अंदर में रहते थे. पेशवा के अंदर ये लोग मतलब थे. और पेशवा कौन था? पेशवा जो थे उस पेशवा जो थे वो पुणे में रहते थे और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, एक तरह से वो प्रशासनिक प्रधान थे. हाँ, और इनके मिलिट्री के भी हेड थे. मतलब पेशवा के अंदर में ये तमाम लोग थे. तो आपका और ये कॉन्फेडरेसी था, एक राज्य मंडल था. ठीक है, उसके अंदर ये तमाम लोग शामिल थे. सो हम लोग आगे देख रहे हैं इसमें. मगर बात कर रहे हैं उस समय की जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, जब कंपनी थी उस समय. देखिए महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वी आर टू फेमस मराठास सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी. महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे वो लेट 18th सेंचुरी के अंदर में दो बड़े मतलब आपके योद्धा थे और ये राजनीतिज्ञ थे मराठाओं के. हाँ, और अब देखिए अब होता ऐसा है कि मराठा के साथ अंग्रेज टकराते हैं. कैसे? द मराठास वी आर सबड्यूड इन सीरीज ऑफ वार्स. हाँ, बहुत सारा आपका मतलब युद्ध होता है मराठा के साथ और उसको घुटने टेकने के लिए मराठा उसको बाध्य कर देते हैं. इन द फर्स्ट वार दैट इंडेड इन 1782 विद ट्रीटी ऑफ सालाबाई की संधि. सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में, एक युद्ध हुआ था. उसके बाद आपका सालाबाई की संधि के द्वारा दोनों के बीच में बातचीत हुई और ये बेनतीजा निकला एक तरह से. ठीक है, इसमें आपको कोई किसी की विजय जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है.
लिख रहा है कि देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री. ओके सो द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805, 1803 से लेकर 1805 के अंदर में जो सेकेंड आंग्ल मराठा, आंग्ल मतलब वही अंग्रेज जो थे उनके साथ जो युद्ध होता है, ठीक है, उसमें आपका ये होता है कि जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स है कंपनी है उसको ज्यादा फायदा होता है. वो उड़ीसा और आपका मतलब उड़ीसा का एरिया और यमुना रिवर जो है उसका उसके ये नॉर्थ ऑफ द यमुना, यमुना के उत्तर का एरिया और जो आगरा और दिल्ली के एरिया में मराठाओं ने अपना कब्जा करके रखा था, उन तमाम एरिया को जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो छीनने में कामयाब हो जाते हैं. हाँ, आगे आप देख रहे हो कि द थर्ड एंगल एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 एंड 19 क्रश मराठा पावर. मगर जो अगला वार होता है 1817-19 के अंदर में वो मराठा पावर को कुचल देता है. उस पावर उस युद्ध में ये लोग बुरी तरह से हारते हैं, ठीक है. और द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे फ्रॉम सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन. अब वो जो लास्ट जो आपका बचता है उनको जो क्या करते हैं ये लोग हराने के बाद जो अंतिम पेशवा जो पेशवा होते हैं, पेशवा को मैंने बताया जो पेशवा थे आपके पुणे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री के हेड थे, हाँ, तो पुणे से हटा करके उनको आपका कानपुर एक जगह है यूपी के अंदर में वहां बिठूर जो है वहां पे उनको सेंड कर दिया जाता है और उनको कुछ पेंशन दे दिया जाता है कि आप इतना पेंशन लो, यहाँ चुप शांत होकर बैठ जाइए आप, ठीक है. तो द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास. अब इस बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो आपका बिंद बिंद पर्वत जो है बिंद पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से सेपरेट करती है, अलग करती है, उसके पूरे उधर जो है दक्षिण में साउथ में पूरे एरिया पर जो है मराठाओं का जो है आपका सॉरी ब्रिटिशर्स का जो है वो कब्जा हो जाता है. तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से मराठा शक्ति को भी इसने डिफीट किया और आपके मैसूर को भी किया, मराठा को भी किया. तो धीरे धीरे जो कंपनी है वो एक पावरफुल एक स्ट्रांग के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए भारत के अंदर जा रही थी. इस टॉपिक में बस यही है, तब तक के लिए.